आज मुझे इस दुनिया में 25 साल पूरे हो चुके हैं और मतलब मेरा पहला बर्थडे जो मैं अपने घर से बाहर मना रहा हूँ। अरे मुझे लगा सारे मेरा बर्थडे भूल गए क्योंकि 12:07 सौरभ रुचि को भी आ रहा है। मुझे लाइफ में कुछ हटके एक्सपीरियंस करने का बहुत शौक है और मुझे लगता है कि मेरा ये बर्थडे मुझे यही गिफ्ट कर रहा है। आज मैंने कुछ अच्छा शूट किया है, मतलब मेरे को लगा है ठीक लगा आज काफी। सच कहूं तो मुझे अपने बर्थडे पे बिल्कुल भी बड़ी बड़ी पार्टीज करना और बहुत ज्यादा लाउड म्यूजिक बजाना पसंद नहीं है। मैं यहाँ खड़ा हूँ अभी, ये मुझे ज्यादा पसंद आ रहा है। अब वो बचपन वाली बात ही नहीं रही जब हम बर्थडे से एक रात पहले ढंग से सो भी नहीं पाते थे ये सोच के कि कल सुबह हमें मम्मी पापा हमारे क्या गिफ्ट करने वाले हैं, और उनके पीछे पड़ जाते थे इवन कि हमें ये गिफ्ट चाहिए ही चाहिए। और आज हम पीछे पड़े हुए अपने सपनों के और सपने हमें अपनों से काफी दूर ले आते हैं। थोड़ा सा रिग्रेट होता है कभी कभी, इतनी जल्दी बड़े हो रहे हैं, इतनी जल्दी जल्दी उम्र बीत रही है, बट कोई बात नहीं, वक्त है बीतने के लिए बनाए, बड़ी बड़ी बातें नहीं करते। खैर ज्यादा सोच में पड़ जाऊंगा और नींद नहीं आएगी फिर मुझे, चुपचाप सोने जाते हैं और कल मिलते हैं आपसे। सुबह सुबह सबसे पहले भगवान को थैंक यू बोलता हूँ इतनी प्यारी सी लाइफ देने के लिए, और उसके बाद अपना बोरी बिस्तरा बांध के तैयार हो जाता हूँ। सो गाइस मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ और अभी मेरे को लेट हो रहा है थोड़ा सा, ISBT पास में ही है, वहाँ चल के जाना है और बस का टाइमिंग लगभग हो ही चुका है, तो चलते हैं फटाफट विदाउट वेस्टिंग टाइम। थैंक यू सो मच भाई, मिलते हैं अगली बार आएंगे तो आपसे मिलेंगे। बहुत अच्छा है इन्होंने मुझे ग्रीट किया यहाँ पे, वैसे कुछ रहा तो नहीं मेरा, एक बार देख ही लेता हूँ फिर भी नजर मार के। फोन चार्जर ही रह गया। तो यहाँ से मैंने अभी एक एप्पल लिया था सुबह सुबह ना, और सबसे इम्पोर्टेंट मैं बताऊँ, मुझे लग रहा था कि यहाँ पे ना एप्पल सस्ता मिलेगा थोड़ा सा, लेकिन वही दिल्ली वाले रेट है, शायद हो सकता है क्योंकि सीजन नहीं है अभी, इसीलिए यहाँ पे सेम दिल्ली वाले रेट पे एप्पल मिल रहे हैं अभी। मैम चिटकुल की बस चली गई क्या? हाँ चली गई। अब नहीं जाएगी? अभी 2 बजे आएगी। अब बर्थडे वाले दिन मैंने अपनी बस मिस कर दी है और अब बस स्टैंड पे बैठ के थोड़ी देर वेट करूंगा, मुझे कुछ काम करना है, पहले वो काम कर लेता हूँ यहाँ बैठ के। काम कर रहा हूँ यहाँ पे, साथ साथ खा रहा हूँ पॉपकॉर्न क्योंकि भूख भी लग रही है, लगभग होने ही वाला मेरा काम, तो अब जाके मेरा काम खत्म हुआ है यार। काफी देर बस स्टैंड पे वेट करने के बाद फाइनली बस आ ही जाती है चिटकुल की, फाइनली अब बस मिली है 2 बजे जाके, और तब से मैं यहाँ बैठा हुआ था वेट कर रहा था, लगभग 1 घंटा लगेगा अभी ऊपर जाने में और उसके बाद हम पहुँच जाएंगे इंडिया के लास्ट विलेज में जो कि है चिटकुल। सांगला से चिटकुल तक का रास्ता कमर हिला देने वाला था, मगर फिर भी चेहरे पे स्माइल इसलिए है क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि जब रास्ते इतने ज्यादा खूबसूरत हैं तो चिटकुल कितना ज्यादा खूबसूरत होने वाला है। अंकल नमस्ते। आप 2 दिन ही रुकूंगा अंकल। चलो ठीक है अंकल, बाय बाय। सांगला में रुक के ना मैंने गलती कर दी क्योंकि ये इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल जगह है ना, अभी मैं जस्ट उतरा हूँ और देख के ना मैं पागल हो गया हूँ इस जगह को, बहुत ही ज्यादा सुंदर है, मज़ा आएगा। मैं सोच रहा हूँ कि 1-2 दिन यहाँ रुक जाऊँ क्योंकि मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, मैं आया यहीं के लिए था लेकिन मैं सांगला रुक गया यार, सांगला इसके आगे कुछ नहीं है भाई, चिटकुल बहुत ज़्यादा सुंदर है भाई, बहुत ज़्यादा सुंदर। मैं दिल्ली से यहाँ तक पता कितने पैसों में आया हूँ? सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपये में, मेरे दिल्ली से लगे थे लगभग 1100 रुपये की टिकट थी जो मुझे सांगला लेके आई, और सांगला से यहाँ तक के सिर्फ और सिर्फ 60 रुपये भाई, 1200 मेरे को लग रहा है इससे सस्ता ट्रैवल मैंने आज तक किया नहीं अपनी लाइफ में, कभी भी इतना सस्ता नहीं किया सही में यार। सबसे पहले यार मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी तो मैंने सोचा कुछ खा लेता हूँ क्योंकि मुझे होटल ढूंढने में तो टाइम लग सकता है अभी। अभी मैंने ऑर्डर किए हैं राजमा चावल, ये हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा है जैसे इन्होंने लिखा हुआ है इसके ऊपर, और यहाँ पे मतलब 1-2 एक्टर वगैरह भी आए हुए हैं, एक बार ट्राई करते हैं खाना कैसा है यहाँ पे। दिखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, भैया ने इसमें प्याज भी दिए हैं और मेरे को लग रहा है देसी घी भी डाला हुआ भैया ने इसमें, और राजमा भी ठीक क्वान्टिटी के दिए हैं यार। भाई लिटरली बता रहा हूँ, और कोई भी चिटकुल आ रहा है ना ये वाले ढाबे में खाना ज़रूर खाना भाई, बहुत ही ज़्यादा होमली वाइब है। चिटकुल एक छोटा सा गांव जिसमें सिर्फ 600 से 700 लोग ही रहते हैं, और ये गांव लोकेटेड है 11,320 फीट की ऊंचाई पर, और इंडिया के लास्ट विलेज होने के बावजूद आपको यहाँ पर आने के लिए कोई परमिट नहीं चाहिए होता। अभी मैं आपको लेके जाऊँगा बसपा रिवर जो कि इस विलेज से होके ही निकलती है। मैंने जैसा समझा था ना वैसा ही है चिटकुल, बहुत सुंदर है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, मतलब जब से मैं यहाँ पे आया हूँ तब से मैं होटल ढूंढ रहा हूँ और
अगर मुझे होटल नहीं भी मिल रहा मुझे चलने में मजा आ रहा है खाली। यार एक बात सोच रहा था मैं कि पॉपुलेशन कहाँ कहाँ तक बसी हुई है, मतलब कितना दूर आया हूँ चल के यहाँ पर। बहुत दूर भी नहीं आया लेकिन फिर भी बिल्कुल एंड है, ये इंडिया का बॉर्डर ही लगता है यहाँ पर। जस्ट अभी पहुँचा हूँ मैं रूम में और ये रूम मुझे पड़ा है 800 रुपये में और काफ़ी अच्छा है क्योंकि इसके यहाँ भी विंडो है और वहाँ सामने पीछे भी विंडो है। अभी 5 से 10 मिनट रेस्ट करके नीचे जाएंगे और भैया ने बताया कि यहीं नीचे पास में एक रिवर है तो वहाँ चलेंगे, बस 5 से 10 मिनट रेस्ट कर लूँ क्योंकि यार मैं पूरा घूमा हूँ अभी, कम से कम 45 मिनट्स तक मैं घूमता रहा हूँ बैग लेके पूरे इस वैली के अंदर। आज मुझे बहुत सारे विशेज आए हैं बर्थडे के और मैंने अभी तक वैसे किसी का रिप्लाई दिया नहीं है क्योंकि यहाँ पर आके तो मेरे नेट ही चला गया है। भाई यहाँ पर नेट की ज़रूरत भी नहीं है सही बताऊँ ना, क्योंकि ऐसी जगह पर आके भी अगर फ़ोन ही यूज़ करेंगे हम लोग तो क्या ही होगा। यहाँ पर एक स्कूल बना हुआ है और बहुत छोटा सा है लेकिन कितना मज़ा आता होगा ना ऐसे स्कूल में पढ़ने में। अगर मेरा स्कूल ऐसा होता तो थोड़ा और पढ़ लेता मैं भी। काफ़ी आगे आ गया हूँ मैं यार चल के ना, और मेरा मन है कि मैं चलता चला जाऊँ क्योंकि रोड इतनी अच्छी है, व्यू इतना अच्छा है कि मन नहीं कर रहा कि रुकने का। हालांकि पैर इतने ज़्यादा दर्द हो रहे हैं ना 2 दिन से चल चल के बिल्कुल काज में दर्द हो रहा है गंदे वाला, लेकिन फिर भी ना रुकने का मन नहीं है। वो कहते हैं ना पेट तो भर गया लेकिन भूख नहीं मिटी मेरी। आज मेरा बर्थडे है और मुझे स्पेशल फील कराने के लिए मेरे आसपास मेरा अपना कोई नहीं है, सिर्फ मैं खुद हूँ। और मुझे सुबह से अब तक एहसास नहीं हुआ है कि मैंने अपने आप को स्पेशल फील ना कराया हो, क्योंकि मैं एक ऐसा काम कर रहा हूँ जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है और वो है ट्रैवल। इन दोनों बेंच को लगे वहाँ पे देखा तो मेरे को मेरे स्कूल की याद आ गई कि स्कूल में ऐसे ही बेंच हुआ करते थे और उस पर बैठते थे हम लोग। लेकिन जो यहाँ पर ये दो बेंच पड़े हैं ना, ये रियल लाइफ लेसन्स और रियल लाइफ आपका स्कूल है। आपको यहाँ पर बैठ के बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे अभी मैं सामने देख रहा था तो मुझे दिखा नदी का पानी बहुत तेज़ बह रहा है, बहुत तेज़, और ये हमें कुछ सिखाना चाहता है। मतलब प्रकृति हमें अपने आप से ही कुछ ना कुछ सिखाना चाहती है। ये जो पानी इतना तेज़ बह रहा है ये बता रहा है हमें कि वक्त कितना तेज़ हमारे हाथ से निकल रहा है, हमें उसको ग्रैब करना चाहिए। पीछे जो पहाड़ है वो आपको बता रहे हैं कि इतना मजबूत इंसान को होना चाहिए अपनी लाइफ में कि कोई भी मुसीबत हो सारी उसके सामने छोटी हो। पहाड़ से बड़ा कुछ नहीं है लाइफ में, पहाड़ से सब कुछ नीचे ही है। इसके बाद ये जो पहाड़ और आसमान और पूरा नेचर इतना सुंदर दिख रहा है, ये बताता है कि कितना खूबसूरत इंसान हो सकता है अगर वो चाहे तो। सिर्फ दिखने में नहीं, अंदर से भी अपने आप को उतना ही अच्छा और उतना ही ब्यूटीफुल हमें बनाना चाहिए कि लोग जब हमसे मिलें तो उन्हें एक अलग वाइब आए। मैं जब इस बेंच पे बैठा तो ये सारी बातें मेरे दिमाग में आ रही थी और मैंने सोचा कि आपके साथ एक बार डिस्कस कर लूं। हालांकि पीछे से बहुत ज़्यादा नदी का शोर आ रहा है लेकिन मैंने सोचा कि बाद में मैं इसको रिकॉर्ड नहीं करवाऊंगा क्योंकि मैं भूल जाऊंगा दिमाग से कि यहाँ पर मेरे को क्या दिमाग में आ रहा था, इसलिए मैं इसको भी यहीं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लाइफ में कितना कुछ है ना सीखने के लिए, और मैं बहुत बिलीव करता हूँ कि जब भी हमारे सामने कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं तो हमें लाइफ कुछ ना कुछ समझाना चाहती है। अभी यहाँ से कुछ आगे जाके 50 किलोमीटर आगे जाके बॉर्डर लग जाता है तिब्बत का या चाइना का, और ये इंडिया का लास्ट विलेज है। और मेरा बर्थडे जो मैं लास्ट इंडिया के विलेज में मना रहा हूँ, ये बहुत ही स्पेशल है आज का दिन मेरे लिए। मैं बता नहीं सकता सीरियसली मेरे लिए कितना स्पेशल है, क्योंकि दोस्तों के साथ पार्टी करना अच्छा लगता है मुझे लेकिन यहाँ पर बैठ के मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आज का दिन कैसे बीता मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, मगर एक बात जो मुझे बहुत अच्छे से समझ आई कि लाइफ बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और हमारे दिमाग से काफ़ी परे है। तो कल मिलते हैं आपसे। मॉर्निंग गाइस, तो एक और दिन में आप सभी का स्वागत है मेरे साथ। अभी मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है और बिल्कुल रेडी हूँ बाहर जाने के लिए, और आज हम कवर करने वाले चिटकुल की विलेज लाइफ को, और अगर थोड़ा सा टाइम मिला तो इधर उधर कहीं ऊपर पहाड़ों पर भी घुमाएंगे, और अगर अच्छे से कवर नहीं हो पाया तो मैंने सोचा है कि मैं आज यहाँ पर रुक जाऊँगा, लेकिन मेरा मन है कि मैं जल्दी से जल्दी इसको कवर कर लूँ और निकल जाऊँ क्योंकि मौसम बिगड़ रहा है। ऊपर पूरा पूरा बादल बादल बने हुए हैं, सुबह से मौसम तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, और अब मेरे को जाके इस जैकेट को निकालना पड़ा है क्योंकि अभी तक इसको नहीं निकाला था और लग रहा था कि फालतू में इतना बोझ उठा के वहाँ से यहाँ ले आया। लेकिन अब मौसम है भाई, इवन इससे मोटा भी अगर पहन लूँ तब भी चलेगा क्योंकि इतनी ठंड हो चुकी है यहाँ पे। लगभग टेम्परेचर होगा यहाँ पर 10 के आसपास।
बाकी विलेजेस की तरह इस विलेज में लाइफ सिटीज के कंपैरिजन में थोड़ी स्लो है, जो ऐसे चिटकुल जैसे विलेज को और ज़्यादा पीसफुल बनाती है। खैर बारिश होने वाली थी लेकिन बारिश हुई नहीं है, और अभी नीचे मैं मोनेस्ट्री के पास गया था और मोनेस्ट्री काफ़ी सेम है जैसी मैंने सांगला में देखी थी, और मेरे ख्याल यहाँ का जो ट्रेडिशन है और जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स वो सेम ही होते हैं सब जगह के। भाई बहुत ही सीनिक व्यू हैं पूरे गांव के, और बहुत ज़्यादा ब्यूटी बढ़ गई है क्योंकि मानसून का मौसम है ना, इसलिए ब्यूटी और बढ़ गई है इस गांव की। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा ऊपर जाऊँ क्योंकि वहाँ पे जाके मुझे कुछ अच्छा व्यू मिल सकेगा। अब चलते हैं थोड़ा सा ऊपर और चल के देखते हैं वहाँ से कितना ज़्यादा मस्त व्यू आएगा, और अकेले ही जा रहा हूँ मैं यहाँ पे। जहाँ तक नज़रें जा रही हैं वहाँ तक ऐसे सीनिक व्यूज देखने को मिल रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि मेरा कैमरा चिटकुल की एक्चुअल ब्यूटी को जस्टिस दे पा रहा है। इसीलिए ऐसे और सीनिक व्यूज देखने के लिए आज मैं एक छोटा सा ट्रैक भी करने वाला हूँ। यहाँ से देखो पूरी की पूरी वैली दिखती है और सारे घर दिख रहे हैं यहाँ से। अभी थोड़ा और ऊपर जाना है, प्यास लगी, जब तक पानी पी लेता हूँ। रास्ता यहाँ पे ख़त्म हो चुका है और इसके आगे कुछ ऐसा जा रहा है, और यहाँ भी जा रहा है, मेरा मन कर रहा है कि यहाँ चला जाता हूँ ऊपर। थोड़ा सा आराम आराम से चढ़ेंगे भाई, क्योंकि बिल्कुल ऐसा है, एकदम स्टीप ही है लगभग ही। जब रास्ता इतना खूबसूरत हो तो थोड़ी देर बैठना तो बनता ही है। वहाँ तक चलेंगे आज ऊपर तक बिल्कुल ना, और मैंने सोच लिया नीचे कैसे आऊँगा, क्योंकि सपोर्ट चाहिए होगा नीचे उतरने के लिए, तो इसको मैं स्टिक बना लूँगा अपने ट्राइपॉड को। ये वाला जो देख रहे हो सामने, ये मेरा होटल है और ये यहाँ से दिख रहा है। मैं अभी फिर से रेस्ट करने रुक गया हूँ भाई, आराम आराम से जा रहे हैं, चक्कर ना आ जाए, क्योंकि ये पत्थर इतना बड़ा है और सिर्फ कुछ पत्थरों के सारे टिका हुआ है इस पहाड़ पे, भाई कभी भी नीचे गिर सकता है ऐसे। एक बंदे से मैंने नीचे बोला था कि मेरे साथ ऊपर चल ले, तो वो मेरे पीछे पीछे आ गया। आप थोड़ा और ऊपर जा पाएंगे भाई, पहले मुझे अकेले डर लग रहा था क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है ना यार, ना उतरने की ना चढ़ने की। आप सीटी मार रहे थे मेरे को कब से, बहुत नीचे से मार रहे हो क्या? सुनाई नहीं दिया आपको? मेरे को सुनाई नहीं दिया भाई। हाँ नहीं दिया भाई। अरे भाई सॉरी यार, चलो चलते हैं यार अब तुम्हारे साथ, तो और ऊपर चलेंगे। सो ये भाई जिस स्कूल में हम कल गए थे ना, ये भाई उसी क्लास में पढ़ता है, और अभी 10th क्लास में हो आप? जी 10th क्लास में है। 11th में क्या लेने की सोच रहे हो? साइंस कॉमर्स। तुम्हारा स्पोर्ट्स में मन है ना? यार स्पोर्ट्स में बहुत जाते हैं यहाँ पे ना बच्चे। अभी मैं नीचे भी देख रहा था कुछ लोग वॉलीबॉल खेल रहे थे, और मैच है इनका नेशनल का। यहाँ पे रास्ता आके बंद हो चुका है, यहाँ पे ऊपर बच्चा छोड़ते हैं ना। अच्छा अच्छा, तो क्या जो बच्चा दिन को नीचे आ जाते हैं। हाँ। तब नीचे ना आए करके रास्ता बंद किया। अच्छा अच्छा अच्छा, बछड़ों के लिए बंद कर रखा रास्ता ताकि वो ऊपर ही रहें। भाई ये रास्ता देखो एक बार, बिल्कुल स्टीप है एकदम। लाइफ में पहली बार ट्रैक करना कुछ ज्यादा ही एडवेंचरस लगता है, और एक्चुअली ऐसा होता भी है, क्योंकि जहाँ एक तरफ आपको डर लग रहा होता है वहीं दूसरी तरफ आपको ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ बहुत ज्यादा थका देती है। भाई थोड़ा आराम से चल, हम दिल्ली वाले, हमारे फेफड़े पोल्यूशन से बने हुए हैं, ऑक्सीजन से नहीं बने, इनके फेफड़े ऑक्सीजन वाले हैं भाई, ये बहुत तेज भाग रहे हैं ऊपर। चलो यार चले, उतरने में फट जाएगी भाई, बिल्कुल नीचे देख लो एक बार। और शूज़ कोई ट्रैकिंग शूज़ है नहीं। इस भाई को ऊपर मज़े आ रहे हैं, और यहाँ पे मेरी फट रही है बहुत गंदी, क्योंकि वहाँ तक तो थोड़ा सा स्लांट था, ऊपर आया तो ऐसे हो गया, अब पूरा ऐसे है, और ये खड़ा हुआ ऊपर हंस रहा है। गंदे वाला एडवेंचर करा दिया, एक बार देख लो नीचे, पूरा स्टीप है एकदम, ऐसे जा रहा है ये सारा। बहुत पसीने आ रहे हैं हालांकि इतनी ठंड है तब भी। तो ये भाई खिला रहा है अर्ची यहाँ पे, गन्ने की तरह से छीलना पड़ता है, और यहीं पे उगी हुई थी ना, यहीं पे उगी हुई थी पहाड़ के ऊपर बिल्कुल। मजा आ रहा है भाई गाने में, है ना खट्टा, काफी खट्टा है। ऊपर पहुंच के ऐसा लगा है जैसे किसी ने आंखों के आगे बहुत बड़ा सुंदर सा कैनवस रख दिया हो, जिसमें बड़े बड़े पहाड़ों को बादलों ने छुपा रखा हो। भाई बहुत बुरी बात हुई है कि इतना ऊपर आने के बाद पानी खत्म हो चुका है। हम दोनों ने बहुत सारी फोटोज ली हैं अभी यहाँ पे, और वीडियोज भी बनाई हैं,
और अब 15-20 मिनट बिताने के बाद सोच रहे हैं कि नीचे जाएं। और इस भाई ने बताया कि मुझे ये भाई काफ़ी आसानी से उतारने वाला है, मुझे उतार देगा ना भाई नीचे। यार देख ले भाई, अगर नहीं उतार पाया तो मेरे मैं इतने वीडियोस कैसे डाल पाऊँगा यूट्यूब पे, ये वाली वीडियो भी नहीं जा पाएगी फिर मेरी। सच में बहुत ज़्यादा फट रही है नीचे जाने में, क्योंकि चढ़ना आसान था लेकिन उतरना मुश्किल लग रहा है मुझे। मगर नीचे जाने से पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि मैं इस व्यू को एक बार और ना देखूं। अब टाइम आ गया नीचे जाने का, और ये भाई मुझे पूरा एडवेंचर करा के ही छोड़ेगा आज। नया रास्ता इसने चूज किया नीचे जाने के लिए, पक्का सेफ है ये। भाई मेरी मम्मी ने मना किया था यहाँ आने के लिए ना, अगर वो वीडियो देखेंगी तो मेरे को बोलेंगी एक बार जरूर। भाई भागता हुआ वहाँ उतर गया है और मुझे जाना है अभी। वैसे इतना भी टफ नहीं है सही बताऊँ ना, इधर वाला रास्ता ठीक है, उधर वाला बहुत बेकार था यार। मतलब उसमें तो ऐसे लगा लो बिल्कुल ऐसे थी, बिल्कुल ऐसे। आगे रास्ता कहाँ है यही नहीं समझा रहा, वो गया कहाँ से वहाँ पे। पीछे तो मुड़ के देख ले भाई, यहीं से चलते हैं, यहीं से गया लग रहा है वो भी। भाई पैर ना हल्का सा टेढ़ा रख के चलना होता है और फिर कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल एग्जैक्ट इसी लोकेशन में मिले थे हम दोनों, और भाई हमें इतना ऊपर ले गया पूरा घुमाता हुआ, पीछे से घुमा के ले गया, और आए हम बिल्कुल फ्रंट से हैं। और देख लो यहाँ से मैं खुद उतर के आया हूँ। इनको भाई को बहुत ज़्यादा शौक है फोटोग्राफी का, और मेरे कैमरे से ये मेरी भी फोटो खींच रहे हैं, और इन्होंने पीछे की माउंटेन की फोटो भी ली है। इसको बहुत शौक है भाई फोटो करने का, सही बता रहा हूँ। इसको कैमरा मिल जाए ना, ये सारा दिन इन्हीं पहाड़ों में घूमता रहे। ये मेरी फर्स्ट ट्रैकिंग थी यहाँ पे, मतलब पहाड़ मैंने आज तक कभी नहीं चढ़ा, और काफ़ी मस्त एक्सपीरियंस है। इस भाई ने मुझे पहाड़ चढ़ना सिखा दिया आज, थैंक यू भाई। पत्थर पत्थर आ गया, देखा गाइस, स्किट मार मार के जा सकते हैं हम अपने आप। अच्छा पत्थर वाले पे चलना पड़ेगा, ठीक है, हल्का हल्का आराम आराम से। डर नहीं रहा भाई मैं। नीचे पहुंच के सबसे पहले हमने यहाँ से ये बहता हुआ पानी पिया जो कि बहुत ज्यादा ठंडा था। यहीं पे है पोस्ट ऑफिस। हाँ, चलो आगे चलो। ये सही है पोस्ट ऑफिस है? ये नहीं है, ये अंदर ये पोस्ट ऑफिस। लेकिन ये कितना सही लग रहा है यहाँ पे लगा हुआ यार। तो ये यहाँ का पोस्ट ऑफिस है, और इस पे लगा हुआ ये सोलर पैनल। यहाँ की लाइफ बहुत स्लो है, हमारी दिल्ली की तरफ बहुत फास्ट नहीं है, और ईजी और आसान है। आसान नहीं कहूँगा, मतलब चैन से सुकून से दो सांस ले सकता है इंसान, ऐसी ज़िंदगी तो है ही है। भाई वहाँ से हम वापस नीचे आ रहे हैं, बहुत ऊपर गए थे, मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि मैं इतना ऊपर चढ़ भी गया था। चॉकलेट नहीं खाते आप? भाई मैंने तो इतने चॉकलेट लिए इतनी छोटे में खाता हूँ, ले लूँ अभी ले लूँ। प्रिंस को मैंने साथ में खाने के लिए पूछा, लेकिन उसने खाने के लिए मना कर दिया क्योंकि उसको घर जाके खाना था, इसलिए हमने साथ में पी एक चाय। तो प्रिंस अब जा रहा है मुझे छोड़ के, तो इसका बाय बाय बोलने का टाइम आ चुका है। ओके ब्रो बाय। ठीक है बाय, मिलते हैं। मैं सुबह सुबह सोच ही रहा था कि कोई मिल जाए मुझे घुमाने के लिए, और ये भाई मुझे एक जगह बैठा हुआ दिखा, और इसने मुझे फाइनली वहाँ तक ऊपर तक लेके गया, और ये नीचे भी ले आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और सही बताऊँ ना, यहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं नेचर में। अब चलते हैं होटल, और वहाँ से बैग लेके बस स्टैंड पे बैठते हैं। एक चीज़ जो हर इंसान को फील होती है ट्रिप के एंड होते होते, वो ये है कि जब घर वापस जाने की बात आती है तो मन बीच में अटक जाता है। एक मन कहता है कि थोड़ी देर और रुक जा, और एक कहता है कि घर वापस चल।